नमस्कार अनिल शाह फाउंडेशन एवं व्यापारी प्रकोष्ठ युवा मोर्चा उत्तर मुंबई जिला द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक शंकर शर्मा, डॉक्टर सौरभ संगोरी, डॉक्टर शिल्पा संगोरी, योगेश बिष्ट, कौशल तोशी, अन्य सर्व अन्य बाकी सभी पदाधिकारी, कल की तरह इस साल भी अनिल शाह फाउंडेशन और व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं आप सबका हार्दिक यहाँ पर स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छे वातावरण में कुल मिलकर 6 क्रिकेट के टीम यहाँ पर खेलने वाली है और अंतिम 2 सामना में फाइनल मैच खेला जाएगा। इस प्रकार के खेल के आयोजन से सभी खिलाड़ियों को एक साथ में आने का अवसर प्राप्त होता है और अपने में जो कला कौशल है उसे प्रदर्शित करने का भी एक अच्छा मौका मिलता है और इस प्रकार के आयोजनों को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित देखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। बोरीवली का ये सबसे बड़ा ग्राउंड है जिसका नाम बाला साहब ठाकरे जी के नाम से रखा गया है। आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा है, जॉगिंग ट्रैक के साथ में सभी प्रकार की क्रिकेट की, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, इस प्रकार का ग्राउंड का भी यहाँ पर निर्माण करके एक बहुत बड़ा क्रिकेट संकुल यहाँ पर इस परिसर के लिए नहीं तो सारे उत्तर मुंबई के लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इसी के बगल में 13 एकड़ का दूसरा ग्राउंड है जिसको हमने प्रमोद महाजन जी का नाम दिया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भगवान मुझे यहाँ पर निमंत्रित करते आपके माध्यम से तो सिर्फ आप लोगों का गुण गा कर जो भी मेरा सम्मान आप करते हो उसको स्वीकारते हुए न जाते हुए जो पाते हैं वो भी पब्लिक डोमेन में लाऊंगा तो धीरे धीरे उसमें से जागरूकता निर्माण होती है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सभी लोगों को अच्छा लगना चाहिए। इसलिए अगर मैं चुप रहूंगा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और स्थितियां बिगड़ती जाएगी। इसलिए मैंने अपनी भावना व्यक्त की और इस भावना को व्यक्त करने के लिए आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसलिए आप सबका अभिनंदन। बहुत इसमें खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव शाह है। मैं अनिल एमसी फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और साथ ही में भाजपा का उत्तर मुंबई का जिला का व्यापारी प्रकोष्ठ का युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। साथ में शंकर शर्मा जी यहाँ पे अध्यक्ष हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। हर साल मैं ये युवाओं के लिए टूर्नामेंट करता आयोजन करता हूँ। ये 6ठा साल है मेरा और मेरा मकसद खाली एक ही है कि सब युवाओं लोग को मैं एकजुट करूँ और यहाँ पे सिर्फ बोरीवली लोग के नहीं है, बोरीवली, कांदेली, मलाड, सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे जुड़े हुए साथ में और साथ में एकजुट एक खेल दिखा रहे हैं और साथ में एकता दिखा रहे हैं लोग। मेरा मकसद वही है, इसलिए मैं प्रोग्राम का आयोजन करता हूँ। आज सुबह ही हमारे सांसद जी कबड्डी यहाँ पे आए थे, उन्होंने जो ये ग्राउंड उन्होंने बनाया, उनकी मेहनत है यहाँ पे ये ग्राउंड बनाने में, उन्होंने भी यहाँ पे संबोधन किया युवा लोगों को और मुझे खुशी हुई, धन्यवाद। तो कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट, कितनी टीमें हैं और क्या इनाम रखा गया? यहाँ पे 6 टीम का पार्टिसिपेंट है, 12 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी बड़ी ट्रॉफी का आयोजन किया हुआ है और 50,000 का इनाम रखा है फर्स्ट पार्टिसिपेंट को, सेकंड टाइम को 25,000 का इनाम रखा है। साथ ही में सभी प्लेयर लोग को, खिलाड़ी को सम्मान चिन्ह रखा है यहाँ पे, सभी के लिए ट्रॉफी रखा है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन सबके लिए मेडल रखा है और भी कुछ बख्शिश रखी है यहाँ पे, जो अच्छा चौका छक्का मारता है उन लोगों के लिए आनंद के लिए कुछ हम लोग इनाम रखा है यहाँ पे। गौरव जी, हर साल आप इस तरह का टूर्नामेंट आयोजन करते हैं जिससे युवाओं को काफ़ी प्रेरणा मिलती है, काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलती है युवा लोगों को। इससे पहले गए साल भी मैंने किया था, तभी उसके पहले लॉकडाउन आ गया था तो फिर भी गए साल मैंने किया। सब लोग युवाओं की बार बार मुझे फ़ोन लगा था, फ़ोन आते रहता है मेरे, गौरव भाई हम लोग को करना है टूर्नामेंट करना है ताकि हम लोग को एक मौका मिले खेलने का। और काफ़ी खिलाड़ी जो बोरीवली से यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गए जा चुके हैं, ऐसे खिलाड़ी भी यहाँ पे है जो अच्छे टूर्नामेंट खेलते हैं और वो भी यहाँ पे खेलते हैं। एक टीम से जुड़े हुए लोग अपने वार्ड में ध्यान देते हैं लेकिन आप खास करके अपने वार्ड से दूरी ये सब प्रोग्राम क्यों करते हैं? एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा काम मेरा वार्ड के लिए नहीं है, मेरा काम हर जगह पे, हर गली में, मोहल्लों में मेरा काम है। मेरी टीम, मेरी संस्था, कुछ मुझे चाहने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हो हर टाइम धारावी में प्रोग्राम अपना होता है, जोगेश्वर में होता है, मीरा भाईंदर में होता है, पालघर में होता है, गुजरात में भी होता है, हर जगह पे मेरे युवा लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए साथ में है और हर तरह के लोग संस्था भी साथ जुड़ी हुए, तो उन लोग की मांग रहती है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम करते रहो, करते तो हमें करता हूँ। इसलिए कुछ ही महीने बाद महानगर पालिका का चुनाव है तो क्या आपने तैयारी की, क्योंकि पहले से ही डिमांड चल रहा है कि आप इस बार नगर सेवक का चुनाव लड़े? देखो, तैयारी तो अपनी अभी भी आधी रात को बोले हम तैयारी है,
पार्टी जो भी हम लोग को डिसीजन हम लोग को देगी हम काम करेंगे पार्टी के लिए। अगर पार्टी हमारा लक्ष्य एक ही है कि इस टाइम महानगर पालिका में हम लोग को भ्रष्टाचार मुक्त महानगर हम लोग करना है, ताकि इसके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, मेहनत करेंगे। आएंगे हर साल की तरह इस साल फिर गौरव ने एक बहुत ही खूबसूरत खेल खेला। गौरव हमारा युवा मोर्चा का व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है और वो युवाओं को प्रेरणा देता है। युवाओं को इतनी प्रेरणा मिलती है इसके कार्यों से। ये खाली क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं, बहुत से कार्यक्रम है। अभी थोड़े दिन पहले रामनवमी का इसने आयोजन किया था। उसके पहले ब्लड डोनेशन कैंप का, कोरोना काल के अंदर जब सब घर पे बैठे थे तब इसने वहाँ लोगों के घर तक राशन पहुँचाया है। उसके अलावा भी ब्लड डोनेशन कैंप, उस समय ब्लड की बहुत कमी थी, ज़रूरत थी, तो दो बार ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन हमने मलाड के क्षेत्र में किया था। हम जब कोई पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं तो हमने ऐसी इच्छा रखनी चाहिए, पर जब समय आएगा और पार्टी के जो वरिष्ठ लोग डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से हमने पार्टी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलना चाहिए। एक व्यवस्था है, नगर सेवक की टिकट मिले कि नहीं मिले वो अलग चीज़ है, पर हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हुए भी आप देखेंगे तो सोशल वर्क ज़्यादा करते हैं। अरविंद दामेचा, मैं गुजरात से हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी विकास मिशन मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और नरेंद्र मोदी के लिए हम लोग काम करते हैं गांव-गांव घर-घर। तो हमारा आप स्पेशली दिल्ली से आए हैं तो गौरव का काम कैसा लगा और ये जो हर साल इस तरह मेरे साथ नहीं तो 6-7 साल से जुड़ा हूँ और हर साल कुछ ना कुछ नया करते हैं और हमें प्रोत्साहन और हमें आमंत्रण भी देते हैं, तो हमारे एक अच्छे दोस्त है और अच्छे प्रोत्साहन के लिए हम कहीं से भी उनके लिए आते हैं और उनके लिए जो बनता हम करते हैं। तो क्या शुभकामनाएं इनके भविष्य के लिए? उसके भविष्य के लिए पूरी शुभकामनाएं, उनके हर काम में हम साथ में हैं, जो भी करेगा हर जरूरत पर हम उसके साथ में ही हैं।